नमस्कार, आप सभी वीएलईज का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेसबुक कार्यक्रम के माध्यम से जो कार्यक्रम चलता है आज की मुलाकात, तो आज की मुलाकात के अंतर्गत जो कार्यक्रम रखा गया है वो डीजीपे, डीजीपे लाइट और माइक्रो एटीएम से संबंधित है, जिसमें आपको इन तीनों के विषय में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मेरे ही साथ में लखनऊ सीएससी ऑफिस से डीजीपे टीम से संचित जी हैं, जो आपको डीजीपे लाइट और माइक्रो एटीएम से संबंधित जानकारी देंगे। वीएलई का जो भी क्वेश्चन रहेगा तीनों से संबंधित, वो अपना कमेंट बॉक्स में जाके वो अपना क्वेश्चन अपना वहाँ पे लिख सकता है, पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन होगा, कोशिश करेंगे उस समस्या को साथ के साथ हम लोग निस्तारित कर सके। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी है कि जैसे डीजीपे में पिछले कुछ समय में जो भी टेक्निकल समस्याएं थी वो अब जो है पूर्ण रूप से दूर हो चुकी हैं, तो सभी वीएलई से निवेदन है कि अगर वो डीजीपे पे काम कर रहा है, वो डीजीपे से अच्छी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करें। और साथ के साथ जिस वीएलई ने अपनी डीजीपे लाइट की आईडी क्रिएट कराई है, जिसने अभी तक अपना लॉगिन नहीं किया है, वो सबसे पहले अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करके पोर्टल पर अपना ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें। और उससे संबंधित अगर कोई भी समस्या आती है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट टीम के माध्यम से या डायरेक्टली हमारे माध्यम से उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं डीजीपे के लिए, जिसके बारे में संचित जी आपको पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। नमस्कार नीली भाइयों, नमस्कार नीली भाइयों, थैंक यू शुभम। अब हम आप सभी को ये बताना चाह रहे हैं, डीजीपे अब पूरी तरह से सही हो गया है और सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि डीजीपे में अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि हम आईरिस के थ्रू कर रहे हैं, जो अभी हम एक छोटी सी वीडियो में आप सभी को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे थे, उसमें दिक्कत आ रही थी, उस चीज को रिजोल्व करने के लिए हम लोग एमएटीएम भी लेके आए हैं, जिसको पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। अजय सर प्लीज पीपीटी प्रेजेंट कर दें। ये एक वीडियो है छोटी सी, जिसमें कि आप सभी देख सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि आयरिस का यूज किया गया है। ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो आप सभी बिजली भाइयों से निवेदन है, जितने भी यूसीएल सेंटर वाले हैं जिन्होंने आयरिस परचेज कर रखी है, ठीक है, वो प्लीज अपना आयरिस का यूज डीजीपे में बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन करने में यूज कर सकते हैं। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, जिन्होंने आयरिस परचेज कर रखी है वो प्लीज डीजीपे पे एक्टिव होकर बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन आयरिस से कर सकते हैं, क्योंकि आयरिस के थ्रू बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो कि किसी में नहीं हो पाया। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाह रहे हैं, डीजीपे लाइट जो है हमारी अभी सर्विस लेके आए हैं, जिसमें आधार पे एमएटीएम क्यूआर कोड और एईपीएस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वहां पे हमने क्या किया, आयरिस इनेबल कर दिया है। जहां फिंगरप्रिंट एईपीएस पे होते थे वहां पे आयरिस भी हो गई है। अब आप लोग आधा वहां पे आयरिस से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ आधार पे के बारे में। आधार पे एक ऐसी सर्विस है जहाँ पे कस्टमर के जब ट्रांजेक्शन पूरी तरह से हो जाते थे और उसकी लिमिट एग्जिस्ट होने लगती थी, तो वहां पे आधार पे का यूज होता है। आधार पे के थ्रू जब ट्रांजेक्शन की लिमिट 4 से ऊपर, अगर पांचवा ट्रांजेक्शन करना है तो वहां पे आधार पे से कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको एक पीपीटी के थ्रू देखते हैं। पहले हम एक पीपीटी देखेंगे कैसे माइक्रो एटीएम का ऑर्डर लगाएं। माइक्रो एटीएम के लिए हमारे शुभम जी हैं, जो कि पूरा पैन यूपी माइक्रो एटीएम देखते हैं, इसके बारे में आप सभी को बताएंगे कैसे माइक्रो एटीएम पे ऑर्डर लगाना है। पहले हमारा माइक्रो एटीएम सीएससी बाजार पे लगता था, बट अब ये चीज चेंज होके ई ग्रामीण स्टोर पे आ चुका है और हमने माइक्रो एटीएम की जो क्वालिटी थी और जो मॉडल था दोनों ही चेंज कर दिए, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन को आगे संकलन बढ़ाते हुए शुभम जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे करें। जो सीएससी का माइक्रो एटीएम है उसका ऑर्डर का थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। पहले वीएलई अपना सीएससी बाजार के माध्यम से उसको ऑर्डर करता था, लेकिन अब क्या है कि सीएससी ग्रामीण स्टोर जो पहले से ही वीएलई सर्विस को चला रहे हैं, उसी पे अपना लॉगिन करके जो ऑरेंज ऐप है उसको आप डाउनलोड करके सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो प्रोसेस रहेगा वो आपको आगे देखते हैं। नेक्स्ट सर,
सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपना ई स्टोर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, अपनी लैंग्वेज उसमें आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपना ऐप लॉगिन करना है, जो डिटेल्स आपको नॉर्मली फिल करनी होती है, सीएससी आईडीज। आगे सर, आगे सर, आगे सर, जैसे ही आप अपना डीजीपे ऐप लॉगिन कर लेंगे अपनी डिटेल्स के माध्यम से, देन आपको बाय वाले ऑप्शन में जाना है, जहां पे आपको माइक्रो एटीएम सर्च करना है। माइक्रो एटीएम जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे MP63 के नाम से आपको माइक्रो एटीएम दिखाई देगा, जिसको आप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद में VLEs को अपनी नॉर्मल डिटेल, जैसे कि अपना नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, वो सब चीज़ें उसमें फिल करनी है। और फिल करने के बाद में वो ऑर्डर वहाँ से आपका आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया जाएगा, जो बहुत ही 7 वर्किंग डेज में आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था आपका माइक्रो एटीएम। आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं अपने डीजीपे, अपने ई स्टोर पोर्टल के माध्यम से। बहुत ही अच्छी डिवाइस है, पहली जो डिवाइस थी उससे काफ़ी अच्छी है, जिसमें मतलब अभी VLE यूज़ कर रहे हैं आसानी से उसको। और इसका जो नॉर्मली ऐप है वो आप अपने प्ले स्टोर के माध्यम से या आप अगर सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो वहाँ पोर्टल के माध्यम से भी दोनों जगह ऐप डाउनलोड करके उसको आप अपने पोर्टल से स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिवाइस है जो आसानी से आप अपना चला सकते हैं। पहले से प्राइस भी कम हुआ है, पहले अभी जो प्राइस है 2060 रुपये, यानी कि 2060 रुपये में आप इसको अपना ऑर्डर कर सकते हैं अपना ई स्टोर के माध्यम से। तो सभी VLE से निवेदन है कि ऐसे VLE जिनको अगर AEPS ट्रांजेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है, तो सभी बैंकों के माध्यम से ज़्यादातर ATM कार्ड जनरेट किए गए हैं, तो कोशिश करें कि हर एक VLE अपना माइक्रो ATM ऑर्डर जरूर करें अपने पोर्टल से। उससे चलाने से संबंधित कुछ भी जानकारी या ट्रेनिंग के लिए हम डिस्ट्रिक्ट वाइज करते हैं या फेसबुक कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ पे सभी जानकारी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ हम लोग एक प्राइस के लिए बता देते हैं कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस है वो दोनों फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस है वो 2060 रुपए है, जो कि ऑन स्क्रीन दिख रहा है। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको 2060 रुपए, ठीक है। इसमें आपकी इंक्लूड साथ में जो आपकी कोरियर का है वो भी कॉस्ट इसमें है, ठीक है। जिनके पास में पुराना MATM है, वो चाहते हैं नया अगर परचेज करना, तो वो CSC ग्रामीण बाजार स्टोर से जाके नया MATM परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनके पास पुराना है, जिनको पोस्ट टेम्पर्ड आ गया या किसी का डिवाइस की मदरबोर्ड की दिक्कत हो गई, वो भी अपनी CSC ID से ऑर्डर कर सकते हैं। सुमन जी, इसमें एक क्वेश्चन था कि एक CSC ID से एक ही बार परचेज कर सकते हैं कि मल्टीपल परचेज कर सकते हैं? वो अपनी आईडी से ऑर्डर कर सकता है, मल्टीपल भी कर सकता है। अगर हम मल्टीपल परचेज करते हैं तो मैपिंग में तो कोई इश्यू नहीं आएगा ना? नहीं, वो चाहे तो मल्टीपल करके एक डिवाइस को अपना डीजीपे के माध्यम से और दूसरे डिवाइस को अपना डीजीपे लाइट के माध्यम से उसको यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और निकल के आई है कि एक VLE चाहे तो 10 माइक्रो ATM एक बार में भी ऑर्डर कर सकता है, चाहे वो चाहे तो एक माइक्रो ATM भी ऑर्डर कर सकता है। जैसा कि पहले था कि ई बाजार, हम लोग जब CSC बाजार से ऑर्डर करते थे तो वहां पे जिस आईडी से ऑर्डर होता था उस पे ही मैपिंग होता था, बट ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हट चुका है। सही है ना शुभम जी, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट हट चुका है ना? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना था। पहले क्या था, जिस CSC ID से ऑर्डर लगता था उसी पे माइक्रो ATM मैप होता था, बट अब ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रामीण स्टोर से आप लोग ऑर्डर करके परचेज करके बस डिवाइस का जो सेम नंबर है और डिवाइस ई स्टोर से ही ऑर्डर की जानी चाहिए, फिर वो डिवाइस आपके MATM जो है वो डीजीपे लाइट और डीजीपे में मैप कर सकते हैं दोनों पे, ठीक है। ये तो एक सर्विस हो गई। साथ में मैं ये चीज इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डिंग है, ठीक है। हो सकता है कि आयरिस से 100% ट्रांजेक्शन ना हो, बट 100% जो कार्ड से तो ट्रांजेक्शन होंगे ना, तो आप सभी लोग अभी ही परचेस कर ले 2000 रुपए की चीज। अगर आपके यहाँ कोई ग्राहक आता है तो वो वापस नहीं जाना चाहिए ना। अगर वो AEPS ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा तो QR कोड से पेमेंट ले लें। QR कोड से अगर पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप AEPS से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर वो AEPS से भी नहीं करना चाह रहा तो आयरिस से कर सकते हैं।
आयरिस से भी नहीं कर रहा है तो आप कार्ड से कर सकते हैं। आप अपने शॉप पे सारे ऑप्शन अवेलेबल रखें ताकि जो भी कस्टमर आता है वो वापस ना जा सके। इसी श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शुभम जी थोड़ा सा डीजी पे लाइट के बारे में बताते हैं आज इन लोगों को कि डीजी पे लाइट में क्या क्या यूजेस हैं, क्या कैसे कैसे करते हैं। दो मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तब तक सुबह भी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर हो रही है, तब तक बात कर लेते हैं जो ट्रांजेक्शन फेलियर थे, जो कि डीजी पे लाइट में 24 तारीख से हमारे कैश आउट रुके थे, वो सारे क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा सा उस पर हम लोग बता दें बिजली को कि जो भी ट्रांजेक्शन हमारे कैश आउट पेंडिंग थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। 24 तारीख से अब तक में जितने भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग थे वो सारे क्लियर हो गए, आप सभी लोग चेक कर सकते हैं। अगर किसी का नहीं क्लियर हुआ है तो अपना इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो वो ट्रांजेक्शन आईडी के साथ में डिटेल शेयर कर दें ताकि हम उनका चेक करके वेरीफाई कर दें। यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी बात करेंगे डीएमटी पे, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। ठीक है, ये काफी ज्यादा मार्केट में हो रहा है, इस पर काफी अच्छा कमीशन मिल रहा है, लेकिन हमारे कुछ बिजली भाई हैं उसको नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है कि वो कुछ हम लोगों को क्लियरिटी नहीं मिल रही कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ये हमारी स्क्रीन डिस्प्ले हो गई है, शुभम जी थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, आप शुरू करिए कैसे क्या करना है। डीजीपे लाइट लॉगिन करने के बाद में सबसे पहले आपको जो है अपना ईकेवाईसी कंप्लीट करना है। ईकेवाईसी सभी वीएलईज के लिए मैंडेटरी है। फिर उसके बाद जो जो सर्विसेज अभी आपके लिए लाइव है, सबसे पहले वीएलई को अपना सर्विस में जाना है। सर्विस में उसके लिए जो सबसे पहली सर्विस अवेलेबल है वो है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर बेसिकली हमारे जो कुछ वीएलई हैं अलग अलग पोर्टल यूज कर रहे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, या जो वीएलई पोर्टल होते हुए भी अन्य किसी पोर्टल से कर रहे हैं, तो आप तुलना कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कमीशन आपको डीजीपे लाइट के माध्यम से अपने सीएससी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर डाल के सेंडर को एक रजिस्ट्रेशन करना है। ऐड करना, ट्रांसफर वाले पे क्लिक करना, सेंडर का एक मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद जो भी आपका बेनिफिशियरी होगा उसकी आप डिटेल डाल के उसको ऐड कर सकते हैं, या पहले कभी आपने उस बेनिफिशियरी को अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफर किया है तो सेम उसको सिलेक्ट करके आप अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफर जो है कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर की जो लिमिट है वो वन टाइम में 75,000 तक आप अपना कर सकते हैं, यानी कि एक मोबाइल नंबर पे एक महीने की जो लिमिट है वो 75,000 रुपये है। यदि उससे ज़्यादा आप उसको मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं आप, तो सेकंड मोबाइल नंबर ऑप्शन लेके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन उसकी कर सकते हैं। कमीशन की बात करते हैं, कमीशन बेसिकली जो रहेगा वीएलई का वो 1% रहेगा, यानी कि अगर 5,000 रुपये आप ट्रांसफ़र करते हैं तो 50 रुपये आपका उस पर जाने के बाद में जो आपका सेम कमीशन रहेगा वो 30 रुपये से प्लस में आपका कमीशन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कमीशन है अपना डीजीपे लाइट में मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से। हमारे कुछ वीएलई हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है वो अपना आज से ही अपना डीजीपे लाइट पोर्टल के माध्यम से मनी ट्रांसफर का काम स्टार्ट करे। कुछ भी समस्या होने पर अपना डिस्ट्रिक्ट टीम या हम लोगों के माध्यम से वो संपर्क कर सकता है किसी भी चीज को समझने के लिए। थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया है, एक सेकंड, तब तक आप आगे एक्सप्लेन करिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे ड्यूअल एप्लीकेशन की बात करते हैं। जब भी कोई बिजली या मर्चेंट हमारा मॉर्निंग में ऑनलाइन होगा agent.kpsc साइट पे,
और वो फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन कर रहा है मॉर्निंग में तो डुअल ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब यहाँ पे ये है कि वो फर्स्ट टाइम अपनी बायोमेट्रिक से लॉगिन करेगा, फिर वो AEPS ट्रांजेक्शन कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार पे MATM, आधार पे मैंने अभी आपको बताया था कि आधार पे का यूज जब ट्रांजेक्शन, जब कस्टमर की लिमिट ओवर हो जाती है फिर यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कस्टमर डिपेंड करता है कि बैंक ने कस्टमर को कितनी लिमिट दी है, अगर 3 लिमिट दी है तो 3 करेगा, इसमें बैलेंस इंक्वायरी भी ऐड है। अगर साथ में जैसे सुबह मॉर्निंग में उसने बैलेंस इंक्वायरी कर ली और उसको ट्रांजेक्शन करना है तो वो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा, फिर वो आधार पे से ट्रांजेक्शन करेगा। MATM जो अभी आपको ग्रामीण स्टोर से बताया गया कि अगर आप परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली MATM को मैप कर सकते हैं। MATM मैप करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको सीधा सॉफ्टवेयर पे जाना होगा, अपना डिवाइस सिलेक्ट करना होगा, कनेक्ट टू डिवाइस करना होगा। जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो डिवाइस थी, पैक्स 180 थी और मार्फन MFP63 आई है, ठीक है, जो अभी भी लिंक जो ऑर्डर कर रहा है वो MP63 ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों डिवाइस में किसी एक को डिवाइस वो परचेस करता है तो उसको सिंपली उस डिवाइस पे क्लिक करना है और वो कनेक्ट टू डिवाइस करेगा। इसके लिए आपके सिस्टम में ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, साथ में डिवाइस की ब्लूटूथ भी ऑन होना चाहिए। और अगर कोई मैपिंग में इशू आ रहा है तो अभी आप सभी को ग्रुप में डिटेल दी गई है कि मैपिंग के लिए आप गूगल फॉर्म भर दें, वो मैपिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जो भी परचेज करते हैं डिवाइस, वो डिवाइस बाय डिफॉल्ट मैपिंग होके ही आती है। शुभम जी, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये ठीक है। बाकी मोरफन जो डिवाइस है पिछली डिवाइस से बहुत बेहतर है, उसमें पोस्ट टेम्पर्ड वगैरह नो प्रोग्राम की ऐसी कोई समस्या नहीं है, स्मूथली वो चल रही है। तो सभी VLE अपना इसको जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर करके अपने पोर्टल से ट्रांजेक्शन स्टार्ट करें, कमीशन बेस सबसे अच्छा है, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक अच्छा कमीशन आप लोग इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है। साथ में यहाँ जैसे कि जनरल रिपोर्ट दी गई, जनरल रिपोर्ट में आप अपना डेली एक्टिविटी में जितना भी रिपोर्ट का काम है वो कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आप यहाँ पे अपना सर्विस वाइज ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं कि DMT, UPI, कमीशन, POS का कितना कितना ट्रांजेक्शन हुआ, और अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ID से निकाल के कर सकते हैं। वॉलेट टॉपअप, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है वॉलेट 1 और वॉलेट 2, तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। वॉलेट 1 जो बनाया गया है वो ओनली फॉर DMT के लिए बनाया गया। आपको अगर कोई भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर करना है तो वॉलेट 1 में पैसा रखना होगा। पैसा भी किस हिसाब से रखना है, 100 रुपीज आपके मिनिमम रहने चाहिए, 1% सर्विस चार्ज। जैसा कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई 5,000 रुपए ट्रांसफर करता है तो इसमें 150 रुपए और होने चाहिए, यानी 5,150 रुपए होने चाहिए तब वो DMT कर पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 100 रुपए इसमें रिमेनिंग बैलेंस रहता है, 1% सर्विस चार्ज। जैसा कि आपने 5,000 किया तो 1% 50 रुपए हुआ, बट 50 रुपए पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 1% इसका सर्विस चार्ज आपको रखना है। कमीशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया गया है, जो कि सबसे हायर कमीशन है। सेकेंड है यहाँ पे वॉलेट 2। वॉलेट 2 हमने क्या किया है, वॉलेट 2 मतलब जिसमें आप पैसा लेंगे, किसी भी कस्टमर से किसी भी रूप में पैसा लेते हैं वो वॉलेट 2 में आएगा, और किसी भी कस्टमर को अगर पैसा भेजना है तो वो वॉलेट 1 में जाएगा, ठीक है। अगर कोई पैसा किसी कस्टमर से रिसीव कर रहा है तो वो वॉलेट 2 में आएगा, और अगर किसी कस्टमर को पैसा दे रहा है तो वो वॉलेट 1 से जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई ना, अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा ना किसी को कि वॉलेट 1 और वॉलेट 2 है, ठीक है। साथ में यहाँ कैश आउट दिया गया है। कैश आउट में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप 6 अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 6 अकाउंट किसी का भी हो सकता है, एक आप अपना कर सकते हो, फैमिली मेंबर का कर सकते हो, फैमिली में किसी भाई का कर सकते हो, या किसी अच्छे बड़े मर्चेंट का कर सकते हो जो आपको कैश हैंडलिंग प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि TDS का अभी प्रॉब्लम आता है 194N के तहत, तो यहाँ पे आप किसी बड़े मर्चेंट का अकाउंट ऐड करके आप सेटलमेंट कर सकते हो, आप उससे कैश ले लो, यहाँ पे सेटलमेंट कर लो। शुभम जी, तो यहाँ पे हम लोग 6 ही अकाउंट ऐड कर सकते हैं कि उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे 6 अकाउंट ऐड कर सकते हैं, 6 अकाउंट ऐड कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो भी अकाउंट डिटेल आप ऐड करेंगे वो प्रॉपर ऐड करेंगे। ऐसा मत करिएगा कि कोई एक, जैसे कि आपके पास में 2 HDFC के अकाउंट है, दोनों अकाउंट ऐड कर दिया, ये कभी मत करिएगा। एक HDFC का रखिएगा, दूसरा एक्सिस का कर लीजिएगा, तीसरा किसी भी कर लीजिएगा,
ज्यादातर प्रिफर करें कि अपने फैमिली मेंबर का रखें, जैसे अपने भाई का कर लें, अपनी वाइफ का कर लें, या किसी बड़े मर्चेंट का कर लें जो कि आपको कैश हैंडलिंग की प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सके। टॉक टू अस में जैसे कि कोई ट्रांजेक्शन अगर आपका फंसता है, आपको किससे बात करनी चाहिए, यहाँ पे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। हेल्प एंड सपोर्ट में यहाँ पे चैट बॉट दे रखा है, ठीक है, जिस चीज से रिलेटेड इश्यू है, जैसे कि मेरा AEPS से रिलेटेड इश्यू है, AEPS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उससे चैट करना शुरू कर देंगे। अभी कोई मेरा डेटा नहीं है, मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो यहाँ डेटा नॉट फाउंड आ जाता है। यहाँ साइड में क्लिक, यहाँ पे चैट बॉट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज योर स्टेटिक UPI एंड डिफाइन AEPS, ठीक है, क्या इशू है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके आप लाइव चैट कर सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन था कि हमने इसमें QR कोड नहीं दिया, लेकिन वो QR कोड फैसिलिटी है, आप उसके थ्रू भी ट्रांजेक्शन रिसीव कर सकते हैं। शुभम जी, इसमें कुछ और ऐड करना है आपको? बस एक छोटा सा ऑप्शन रह गया है कि जो भी वीएलई हमारे मनी ट्रांसफर करते हैं वो अपना वॉलेट टॉपअप करने के लिए काफी चार ऑप्शन उसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आप कैश डिपॉजिट है, यानी कि पर्टिकुलर बैंक में जाके आप कैश डिपॉजिट करके उसकी स्लिप आप जब पोर्टल पे अपडेट करेंगे तो वो पैसा साथ के साथ ही आपका वॉलेट वन में अपडेट हो जाएगा। दूसरा, आप नेट बैंकिंग के लॉगिन से करके अपना वॉलेट वन को टॉपअप कर सकते हैं। तीसरा, बार कोड के माध्यम से, यानी कि बार कोड आप अपना जनरेट करेंगे। शुभम जी इस चीज को फिर से रिपीट कर दीजिए, मैंने वॉलेट टॉपअप की स्क्रीन डिस्प्ले कर दी है ताकि हमारे यूजर्स को कोई दिक्कत ना। ICICI और एक्सिस बैंक का और यूनियन बैंक का भी अकाउंट बंद हो गया है, तो प्लीज इस चीज को पोर्टल से रिचार्ज मत करें आप सभी लोग, इसकी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ रही है। अगर किसी को करना है तो यहाँ पे शुभम जी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कैसे करना है, कैश डिपॉजिट किस बैंक में करना है, बैंक चालान कैसे जमा करना है, UPI के थ्रू कैसे करना है और पेमेंट गेटवे के थ्रू कैसे करना है। हम लोग एक एक स्टेप जानते हैं। सबसे पहले कैश डिपॉजिट, सबसे पहले ऑप्शन है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट में एक चीज का आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम अगर किसी बैंक में कोई भी समस्या होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बाय मैसेज या जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं तो वहां पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सूचना मिल जाती है। तो जो बैंक आपके लिए अवेलेबल है आप उनमें जाके डायरेक्ट कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। वहां से जो स्लिप आपको मिलेगी वो आपको अपने पोर्टल पे अपडेट करनी है, जिसमें जो पैसा आपने जमा किया है वो पैसा 15 से 20 मिनट के अंदर आपका वॉलेट वन में डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है बैंक चलान, बैंक चलान में केवल दो ऑप्शन अभी अवेलेबल है। हाँ नहीं, सुभम जी यहाँ पे हम दिखा देते हैं कैसे उनको अपना डिटेल अपडेट करना है। जैसा कि वो बैंक में जमा करके आए, नेफ्ट करके आए, यहाँ पे आएंगे अपना अमाउंट मेंशन करेंगे 10,000 रुपए, ठीक है, बैंक का रेफरेंस जमा करेंगे, रिमार्क देंगे और अपलोड स्लिप करेंगे, ठीक है, ताकि वो डिपॉजिट कर सके और वो डेटा हमारे तक सही से आ सके। अब यहाँ पे आगे बैंक चालान, जी बताइए। बैंक चालान में केवल दो अभी ऑप्शन अवेलेबल हैं, करूर वैश्य बैंक और एक्सिस बैंक। आप इनका बैंक चालान के माध्यम से भी अपना वॉलेट जो है वॉलेट वन टॉपअप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो सभी के लिए मेन है, UPI, यानी कि आप अपना बार कोड जनरेट करके सबसे पहले आपको यहाँ पे 100 QR कोड पे क्लिक करना है। सुमन जी थोड़ा सा यहाँ पे बिजली को क्लियर कर दीजिए, जो QR कोड जहाँ जनरेट हो रहा है उसको अपनी शॉप पे ना लगाएं, ठीक है, ये QR कोड केवल 30 सेकंड के लिए होता है, ठीक है, ये डायनेमिक QR कोड है, ये खाली आपके 30 सेकंड के लिए है, ये वॉलेट टॉपअप के लिए बनाया गया है। इसको आप लोग प्रिंट करके, जैसा कि यहाँ पे अभी आप शो कर रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ 30 सेकंड के लिए लिखा हुआ है, नोट स्कैन एंड पे वंस 30 सेकेंड, मतलब ये 30 सेकेंड के लिए जनरेट होगा, ठीक है। तो इसको जब सेम टाइम पे कोई कस्टमर हो तभी जनरेट करें। इस QR कोड को प्रिंट करके आपको डिस्प्ले पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये QR कोड हमेशा के लिए नहीं होता है, हर बार ये QR कोड चेंज होता रहता है। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है, इस QR कोड को वॉलेट टॉपअप में जाके जो प्रिंट का ऑप्शन आता है यहाँ नहीं लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जी शुभम जी बताइए। हाँ, मेनली जो टाइम 30 सेकंड बाद कोड की वो 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर आपको बार कोड अपना स्कैन करना है। अगर बाई चांस आप नहीं स्कैन कर पाते हैं तो आपको दोबारा से आपको बार कोड जनरेट करना होगा स्कैनिंग करने के लिए। फिर से निवेदन कर रहा हूँ,
शुभम जी और हम दोनों लोग फिर से निवेदन कर रहे हैं, ये क्यूआर कोड को आपको प्रिंट करके अपनी शॉप पे नहीं लगाना है, ये स्टैटिक क्यूआर कोड नहीं है, ये डायनेमिक क्यूआर कोड है, हर बार नया जनरेट होता है। जी शुभम जी शुरू बताइए। तो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वीएलई के लिए, वो है अपना नेट बैंकिंग। जो यहाँ पे बैंक्स अवेलेबल हैं उन बैंक के माध्यम से वीएलई अपना नेट बैंकिंग यूज करके अपना जो है वॉलेट वन को टॉप अप कर सकता है। जो बैंक्स अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो होंगे, जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा, केवल उन्हीं बैंक से आप लॉगिन करके अपना वॉलेट वन को टॉप अप कर सकते हैं। एक इस वॉलेट वन के टॉप अप के लिए जो वीएलई के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका वॉलेट टू से वॉलेट वन में ट्रांसफर करके। ये वीएलई के लिए एडिशनल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिन भर में जो भी पैसा आपके वॉलेट टू में आता है, चाहे वो कमीशन का हो या एईपीएस का हो, आप उस पैसे को या तो अपने बैंक अकाउंट में कैश आउट कर सकते हैं या दूसरा वॉलेट टू से वॉलेट वन में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। टाइम टू टाइम बिल्कुल वो पैसा आपका वॉलेट वन में आ जाएगा, आप उसको मनी ट्रांसफर के बेस में यूज कर सकते हैं। हमने ये पूरी ट्रेनिंग दे दी आप सभी को डिजीपे लाइट के बारे में। अगर किसी का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा मोबाइल नंबर है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, 9839460300। संचित श्रीवास्तव 9839460300। शुभम आप भी अपना नंबर बता दें, 8126054809। आप सभी लोग नोट कर लें इस चीज को। साथ में अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग के सीएससी चैनल बना हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में जो भी नोटिफिकेशन होगा वो डे टू डे आप सभी को शेयर करते रहेंगे। इस श्रृंखला को आज समाप्त करते हैं, ठीक है। एक छोटी सी जानकारी मैं वीएलई को देना चाहूंगा कि जो भी वीएलई हमारे पोर्टल से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो डीजीपे हो या डीजीपे लाइट हो, वो अपना डीजीपे रजिस्टर जरूर मेंटेन रखें। चाहे आपकी ट्रांजेक्शन टाइम टू टाइम सक्सेसफुल हो या डिक्लाइन हो, डीजीपे रजिस्टर मेंटेन रखना हर एक वीएलई के लिए अनिवार्य है, जिसमें आपको नॉर्मल सी चीजें आप उसमें नोट कर सकते हैं, जैसे आपका डेट, अमाउंट, कस्टमर का जो आधार होता है उसकी लास्ट की चार्ज, आरएन नंबर और लास्ट में कस्टमर के साइन या थंबप्रिंट। तो डीजीपे रजिस्टर हर एक वीएलई को बनाना अनिवार्य है। आप सभी वीएलई का प्रोग्राम देखने के लिए ज्वाइन